उसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो इसमें आ रहा है पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, सेगमेंट डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद है थ्री पॉइंट कॉल आउट, ये अलग चीज़ है। डायमेंशन है क्या, एक तो ये है कि आपका ये मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। आपने डिफरेंस लेना हो, दो शेप्स हैं आपके पास, उसमें जो मेजरमेंट आपने करनी हो, फासला डिस्टेंस देखना हो, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ ड्रा करनी हो, पैरेलल हॉरिजॉन्टल, आपने उसकी विड्थ या हाइट जो है वो देनी हो, ठीक है। उसके बाद आप शेप आपने ड्रा करनी हो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी सबसे पहले इधर लिख भी लेते हैं डायमेंशन टूल, डायमेंशन टूल है पहले हम लेते हैं पैरेलल डायमेंशन टूल, ठीक है। ये आप आपने मेजर कैसे करना है, बिल्कुल आप सीधा ड्रा करें, ठीक है। ये आपको साथ साथ इसकी बताया भी जाए कि इसकी कितनी विड्थ हो गई है, तुम्हारी कितनी हो गई है इसकी, ठीक है। ये 217 ये देखें, ये इंक्रीज हो रही है आपकी, ठीक है। इसको जहाँ पे भी आप छोड़ेंगे, ये इंचीज में आ रहा है अभी, ठीक है। जहाँ पे भी छोड़ेंगे आप तो छोड़ें, और इसको ऊपर या नीचे की जाने आप ड्रा करेंगे, यहाँ पे करके क्लोज करें। ये आपने लिया, ठीक है, ये डायमेंशन है। इसके नीचे एक और ड्रा करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी ऊपर नीचे हुई तो इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये डायमेंशन टूल ये इसने आपको मेजरमेंट दी है, इसकी पैमाइश दी है 5.88 इंचीज, ठीक है, इंचीज में इसने दी है आपको, ठीक है। आगे इसकी सेटिंग्स हैं, आपने इसका ये टेक्स्ट वगैरह चेंज करना हो अंदर से, ये जो लिखा हुआ है 5.88 ये चेंज कैसे करना है, इसकी आपने पॉइंट इसके ज़्यादा करने हैं, ये जो राइटिंग स्टाइल है वो आप इधर से कर सकते हैं, ऊपर से जो राइटिंग की आप फॉन्ट्स हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं, वो ऊपर पड़े हुए हैं, इधर से आप कर सकते हैं चेंज, ठीक है। इसी तरह अगर ये आपके पास जो लाइन आपने ड्रा की है इसको करना हो, आपने इसका स्ट्रोक ज़्यादा करना हो, ये आपके पास ऊपर पड़ी हुई है इसकी लाइन की स्टाइल्स, ठीक है। अच्छा ये पहले ही है, उसके बाद लाइन का कलर, फॉन्ट का कलर, सारी सेटिंग जिसके अंदर अवेलेबल है, और एक बार उसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है नीचे, इसकी कलरिंग कुछ भी आपने चेंज करनी हो वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके स्टोक के भी कलर हैं वो आपने करने हो चेंज, तो ये भी आपके पास शो हो रहे हैं, ठीक है। कोई सा भी आप कर सकते हैं, ये सारी इसकी सेटिंग है। इसके बाद अगर और इसकी सेटिंग देखनी हो, ये एडवांस सेट है, वो आप जाएँ विंडो, विंडो में जाएँ, डॉक्टर में जाएँ, ठीक है। उसके बाद अगर होगा आपके पास ऑब्जेक्ट स्टाइल, ऑब्जेक्ट स्टाइल ये पड़ा हुआ है, आप डायरेक्टली कंट्रोल है 5 भी प्रेस कर सकते हैं, ये करें तो ये सारी सेटिंग ओपन हो जाएंगे। इसको मैं करता हूँ, यहाँ से मैंने अपना टूल सेलेक्ट किया डायमेंशन, तो इसकी सारी सेटिंग जो इधर भी आ गई हैं आपके पास, ठीक है। ये थोड़ी एडवांस सेटिंग है, ठीक है। ये इधर इसके कलर्स पड़े हुए हैं, कोई आपने कलर चेंज करना हो, ठीक है, वो कैसे करना है। उसके बाद ये इसके स्टाइल पड़े हुए हैं सारे राइटिंग के, वो चेंज करने हो,
इसकी आगे पिक्सल में आपने करना है, इंचीज में करना है, बिट में करना है, वो सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये अभी पिक्सल हमने सेलेक्ट किया है, अभी ड्रा करके देखते हैं पिक्सल के अंदर। सेंटीमीटर में सारी सेटिंग अगर पड़ी हुई है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद वही ऊपर वाली सेटिंग इधर भी पड़ी हुई है, ये कर सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। ये देखें, अगर इसका मतलब आपने जो लाइन लगाई है, डायमेंशन लाइन, उसका कलर चेंज करना हो, आप पहले सेलेक्ट कर लें इधर से। ठीक है, पिक्सल में करना है, पिक्सल में करके उसको अप्लाई करें। ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपका ये है दूसरी सेटिंग, इसके स्टाइल चेंज करने हैं आपने, इसके कलर चेंज करने हैं। ये आए नीचे, ठीक है, येलो में कर देते हैं इसको, येलो करके अप्लाई करें तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी इसी की सेटिंग है, स्टाइल की सारी ना, लाइन की आपकी, ये हॉरिजॉन्टल हमने पैरेलल जो है वो डायमेंशन मेजर की है। इसी तरह हम दूसरी देखते हैं, आगे चलते हैं आठ बोर्ड से बाहर, इसके नीचे और एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन। ठीक है, ये पैरेलल थी, उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन। ये हम देखें दूसरी टॉप से बॉटम। ठीक है, ये हमने मेजर की है, स्टाइलिंग इसमें वही उठा लिया जो पहले हमने दी हुई है। ये यहाँ से टॉप से लेके जहाँ नोड आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नीचे तक आपकी मेजरमेंट इसमें दी हुई है। इसका कलर सही नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये इसने आपको स्केल दिया 3.37। ठीक है, ये इसने आपको पॉइंट करके दी है। ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, उससे पहले पैरेलल थी। इसी तरह इसकी सेटिंग है सारी, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट जाएं, एंगुलर डायमेंशन क्या है कि आपकी कोई शेप ड्रा कर लेते हैं, इसको साइड से करते हैं और ये सिलेक्ट करते हैं एंगुलर डायमेंशन। ठीक है, एंगुलर डायमेंशन जो है वो आपको इस तरह एंगल्स के अंदर आपने कोई डायमेंशन करनी है। ठीक है, तो डबल क्लिक करें, हमने इस तरह की पुमाइश करनी है किसी खास स्पेसिफिक एंगल की। ठीक है, वो इससे कर सकते हैं। सपोज आपका आपको एक मेजरमेंट चाहिए एंगल की, इस तरह जो कर्व के अंदर है, ठीक है, किसी भी एंगल के ऊपर है, वो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर स्केल चेंज करें, पिक्सल क्यों नहीं ले रहा। ठीक है, ये आप इसने आपको माइनस करके दी है 39.35 इसका एंगल है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सेटिंग वही उसी तरह, इसका कलर यहाँ से, अगर टेक्स्ट का कलर करना है तो टेक्स्ट का कलर नीचे है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना चाहें आप, ठीक है, सिंगल लाइन अंडरलाइन करना चाहें, ये सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर दें, रिमूव कर दें थोड़ा सा। ठीक है, ये अंडरलाइन आप कर सकते हैं, डबल पिन लिखा हुआ है इसको, ये करें सिलेक्ट करें, उसके बाद अप्लाई करें तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा, डबल पिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई और स्टाइल अच्छा देना चाहें, कलर वगैरह आपने पहले देख लिए। ठीक है, चेंज करें आप इसका और इसको अप्लाई करें। ठीक है, ये यहाँ से आप कर सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद बाकी सेटिंग भी हैं लेकिन वो अभी हम नहीं देखेंगे। इसके बाद एक और है इसका टूल, अच्छा इसी के नीचे है ये सेगमेंट डायरेक्शन, ठीक है। जो मोस्टली यूज होंगी वो यही है, पैरेलल मेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एंगुलर सेगमेंट जो है वो भी देख लेते हैं। सेगमेंट जो है हम यूज तो नहीं करेंगे लेकिन हम देख लेते हैं। अच्छा सेगमेंट ऐप पहले आपके पास होनी चाहिए, कोई रेक्टेंगल वगैरह है, ठीक है। अभी इसका सेगमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेगमेंट के लिए क्या है कि आपके पास पहले कोई है, आपकी शेप है, कोई पिक्चर है या कुछ बना हुआ, तो सेगमेंट है कि एक पोर्शन की आपने जो ऑप्टिमाइज करनी है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया आपका, अभी एक सपोज करने के हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी हमें चाहिए सेगमेंट डायमेंशन, ये आपको बता भी दिया है, डिस्प्ले द डिस्टेंस बिटवीन एंड नोड ऑन अ सिंगल और मल्टीपल सेगमेंट, ठीक है। ये नोड टू नोड जो है आपका डिस्टेंस जो है वो काउंट करता है, ठीक है। अगर इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये मेड ठीक है, पहले आपने जहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब ये नोड टू नोड चलता है, आप हॉरिजॉन्टल इसको कर लें, वर्टिकल कर लें, ठीक है। ये बता रहा है अभी कि इस पॉइंट से लेके लेफ्ट से लेके राइट नोड तक जो है इसका डिस्टेंस इतना है 4.15। अगर ऊपर से आप करना चाहें नीचे की तरफ, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ये एक को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी साइड पे आप टॉप से बॉटम, ये बॉटम टू इसका इतना डिस्टेंस है 0.57 इंचीज, ठीक है। इसको हमने चेंज किया था, ये 6 इंचीज में आ गया, एक्सेल में करते हैं इसको, ठीक है। चलें खैर इंचीज में रहने दें। तो ये आपका डायमेंशन टेबल की सेटिंग, पैरेलल डायमेंशन वो हमने देखा कि किस तरह इसको मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को देखा, ठीक है। उसके बाद एंगुलर को देखा, एंगुलर कौन सा था, एंगुलर ये है किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर आपने कोई फरमाइश करनी है, कोई मेजरमेंट्स करनी है, ये उसके लिए था। पहले सबसे हमने ये देखा था पैरेलल डायमेंशन, वो किस तरह उसकी मेजरमेंट करनी है वो देखा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं आप इस साइड से, हॉरिजॉन्टल या ये वर्टिकल देखा हमने इधर को, ठीक है। उसके बाद एंगुलर डायमेंशन देखा, ये वाला किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर आपने फरमाइश करनी है, वो हम कैसे कर सकते हैं। ये है कोई आपने जो ड्राइंग करनी है, जिस तरह कोई स्केच करना है, कोई नक्शा वगैरह बनाना है, ठीक है। उधर ये इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। आपने कोई सपोज करें कि कोई घर का स्केच बना के देना है, उसका ड्राइंग करके देनी है किसी हाउस बिल्डिंग के लिए या किसी बिल्डिंग के लिए, तो उधर ये इस तरह की चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। आपने मेजरमेंट जो है करनी है फिट में, इंचीज में, जो भी आप करना चाहें, उधर इस टूल की ज़रूरत पड़ती है, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह वो कॉर्नर जो रूम्स के बाहर होते हैं, ठीक है, उनकी करनी हो फरमाइश, ये वहाँ पे यूज होते हैं एंगुलर
जो हमने कवर किया अभी, एंगुलर डायमेंशन, और ये जो सेगमेंट डायमेंशन है ये भी इसी तरह के, ये नोट नोट सर है, ये भी आपकी मेजरमेंट के लिए है। ठीक है, तो ये एक टूल था छोटा सा डायमेंशन टूल। तो इसके बाद हमने इसका देखा कि अगर कोई मतलब हमने ड्राइंग की हुई है अपनी बिल्डिंग वगैरह की या किसी भी चीज़ की हो, उसके हिसाब से उसके कलर वगैरह चेंज करना हो, उसको हाईलाइट करना हो, टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, वो हमने देखा हो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी सेटिंग थी। तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन आया तो आप पूछें। ठीक है, आपको दी हुई है कि हमारा जी सोच करे इस डायमेंशन का रूम है। ठीक है, सोच उसकी आ रही है 833 और 704। ठीक है, उसको ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, इतनी आ रही है आपने रखी हुई है, या आपने ये ड्रा कर लिया रूम, तो आप साइज बताना चाह रहे हैं आप अपने क्लाइंट को या खुद ही कुछ ड्रा करें, तो आप क्या करेंगे, इधर जाएंगे सेगमेंट टूल के अंदर। ठीक है, तो ये नोट टू नोट चलता है, आपने खुद ही आपको सेलेक्ट कर दिया। ये आप इस पर करें तो ये आपको बता देगा कि इसकी विड्थ और हाइट क्या है। ये 3.49 मिलता आ रहा है। ठीक है, ये इसकी फरमाइश होगी। इसी तरह कोई और चीज़ आपने ड्रा की हुई है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं इससे। ये यहाँ से ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट है, अगर वो आपकी आपने देखा भी होगा आपको, अगर आपने वो जो होते हैं नक्शा नवीस क्या कहते हैं उनसे कभी आपका चक्कर लगे, तो उन्होंने ना बड़े बड़े बोर्ड के ऊपर ड्राइंग की होती है, बड़े वाइट बोर्ड होते हैं उनके ऊपर ड्राइंग करके रखी होती है, तो इधर इस तरह की आपको कमाचियों वगैरह लिखी भी नज़र आ रही होती हैं साथ में। ठीक है, तो वो ये यही टूल यूज़ होता है उधर मेजरिंग के लिए। ठीक है, तो आप अगर भी तो हाँ जी ठीक है, विड्थ उसकी सॉरी कर लेते हैं 700 फिर, और 700 में कम कर लेते हैं 400 कर लेते हैं, 700 फिट उसकी ये कर ली, और हाइट उसकी कर लेते हैं 900। ठीक है, चलो कम कर लेते हैं, ये 150 फिट के दे रहा है, यहाँ तक आप कर सकते हैं। वो ये मैक्सिमम जो है ना फिट में इतना करने दे रहा है 150, ये कर लेते हैं। अभी इसको ओके करते हैं, जूम है एक्चुअली। ये अभी हमें बता भी रहा है कि आपके पास शेयर है स्क्रीन कि हमने ज़्यादा वैल्यू दी है, दिस जूम हैज़ एक्सीडेड द बाउंड्रीज ऑफ द ड्राइंग स्पेस, योर विंडो विल बी एडजस्टिंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, वार्निंग भी इसने दी है हमें, क्योंकि ये हमने बहुत ज़्यादा इसकी रख दी है, तो जूम का बता रहा है कि आप इसको जूम आउट जो है ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको अगर ऊपर नीचे जाना, ये अभी हमने 150 फिट हाइट की विंडो ली है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये ज़्यादा ही हो गया 150 सब। ये अभी फिट में ली है 50 70, 50 इसकी विड्थ है और हाइट 70 फिट है। ठीक है, जो हमें मैक्सिमम ये दे रहा है टूल हमारा 150 और 150 फिट पे ये जा सकता है आपका टोटल ड्रा। इससे आगे आपने जाना हो पूरा डिज़ाइन जो भी खलीफा कंप्लीट आपने तैयार करना हो, तो वो एक और फिर ऑटो पैड, ठीक है, उसमें इससे ज़्यादा जो है जितनी मर्जी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये मैक्सिमम हमें 150 तक जाने दे रहा है, 150 तक।
वर्टिकल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, ठीक है, उसके बाद एंगुलर डायमेंशन, सेगमेंट डायमेंशन, ये कहते हैं किसी भी चीज़ का जो है आपने डायमेंशन कैलकुलेट मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, उसकी लंबाई चौड़ाई जो है आपने देखनी हो, तो वो इस टूल के थ्रू आप उसकी कमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो हम देख रहे थे अभी, सपोज करें कि ये हमारे पास है पैरेलल, मैंने पैरेलल अगर जाना है ये इसको इधर छोड़ें, ठीक है, जो ही आपने ये क्लिक किया पॉइंट लगा कर तो इसने आपको कैलकुलेट करके दे दी है। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो इसने बताया कि ये फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक नोड टू नोड जो है आपका डिस्टेंस कितना है, 76.89 सेंटीमीटर इंचेस, ठीक है, ये आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नीचे वो भी इसी तरह ही किया कि आपने इधर हॉरिजॉन्टल जाना है या वर्टिकल जाना है, ये हॉरिजॉन्टल हम चलते हैं तो ये किस तरह मार्क करेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये इसने इधर कर दी है, अभी नज़र नहीं आ रही, बहुत छोटा सा है तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, शुक्रिया, ठीक है, ये 27.17 इंचेस। तो दूसरा इसकी स्टाइलिंग जो आप चेंज कर सकते, पहले ये बता रहा था कैसर का क्वेश्चन था कि ये इसकी हम मैनुअल जो है खुद चेंज कर दें इधर हाइट वेट जो है खुद लिख दें, तो वो बता रहे थे हमको कि ये बेसिकली मेजरिंग टूल है,